हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। 11th क्लास में आज हम कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे फोर्स की, जो कि दो तरह के होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। सेकंड, हम बात करेंगे एरिस्टोटल ऑन मोशन की, मोशन पर एरिस्टोटल की क्या ओपिनियन थी, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए। थर्ड, हम बात करेंगे गैलीलियो ऑन मोशन, गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने मोशन के लिए अपनी क्या ओपिनियन रखी, क्या एक्सपेरिमेंट किया और किस डेफिनेशन से मोशन को उन्होंने बताया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन को एक ही डेफिनेशन में इंक्लूड करके अच्छे से समझाया गया है। आप समझिए कि फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स एफर्ट होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, विच मे मूव अ बॉडी, जो बॉडी को मूव करा सकता है एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, या फिर बॉडी की साइज एंड शेप को भी वो चेंज कर सकता है। इफ़ेक्ट्स जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़े हैं वही सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आएंगे कि फोर्स की वजह से किसी रेस्ट पर अगर बॉडी है या फिर वो मूविंग बॉडी है तो उसकी उस बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, वो सारे फैक्टिंग जो इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे? फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। तो आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा वही यहाँ पर सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से एक बॉडी को अफेक्ट करते हैं वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज फोर्स, एक्चुअल में जो फोर्स है वो है क्या। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर अगर हम उसको खींचे या फिर उसको धक्का दे, पुश कर रहे हैं या फिर हम उसे पुल कर रहे हैं, तो वो ही क्या है, वही फोर्स कहलाता है। फोर्सेस कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट, टू स्पीड अप, टू स्लो डाउन, टू चेंज डायरेक्शन। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है उसको स्पीड मिल सकती है, उसकी स्पीड कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है और उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है फोर्स के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अब बैलेंस्ड फोर्स कैसा होता है, जिस तरह से आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर से भी इसको खींचा जा रहा है और इधर से भी इसको खींचा जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। और इस फोर्स के अंडर जो भी वर्क हुआ वो वर्क कितना आएगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, तो इस बॉक्स को किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं खींचा जा सकता, इसलिए यहाँ पर ये वर्क जो है वो क्या हुआ, जीरो हुआ। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्सेज F1 एंड F2 है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड इफ़ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल, मैग्नीट्यूड में कैसे हैं ये दोनों इक्वल है, F1 इक्वल्स टू F2, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स जो होगा इस बॉडी पर वो कैसा होगा, वो जीरो होगा। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस्ड फोर्स है वो रेस्ट और मोशन, जो भी दोनों बॉडी की एक स्टेट होती है, किसी भी बॉडी की एक स्टेट होती है रेस्ट या फिर मोशन, तो इस स्टेट को वो चेंज नहीं कर पाएगा, कौन, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में कैसा क्या रहता है कि F1 F2 दोनों ही इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने के कारण ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की।
इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ भी क्या है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और F1 एंड F2 दोनों ही फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि F2 जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम है किससे, F1 से, यानी F1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है किससे, F2 से, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। तो इस तरह का जो फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट होगी वो क्या होगी, इस बॉडी की चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन से इस तरफ मूव कर जाएगी। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन दी अदर, एक फोर्स दूसरे फोर्स से अगर ज़्यादा है देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स जो है वो क्या कैसा रहेगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। सच फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अपन अनबैलेंस्ड फोर्स अगर पढ़ते हैं तो वो क्या काम करेगा, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। रेस्ट पोजीशन को वो किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। मोशन वाली जो पोजीशन है उसको किस में ला सकता है, वो रेस्ट में ला सकता है स्टेट को। तो यहाँ हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, लेकिन एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन का फोर्स क्या है। फ्रिक्शन यानी घर्षण, तो घर्षण का फोर्स क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच ऑपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। मतलब एक सरफेस पर जो मोशन होती है उसके ऑपोजिटली वो काम करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू ए स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये कोई बॉल है और बॉल को हमने फेंका किसी एक स्पीड से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा वही स्पीड इसकी रहेगी, वो स्पीड जो है उसकी कम होती हुई वो लास्ट में कैसी हो जाएगी, ये बॉल स्टॉप हो जाएगी। वो बॉल किस वजह से स्टॉप हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हुई। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ किसके बीच में, ये जो रोड है और ये जो साइकिल है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से काम करेगा, मान लीजिए साइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ इसमें काम करेगा, जो कि इस मूविंग बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या काम करेगा, किसी भी मोशन को अपोज करता है। तो ये लास्ट में क्या होगा, अगर इसने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो साइकिल क्या है, कुछ डिस्टेंस पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। पहले जितनी स्पीड में चल रही थी, स्पीड कम होती हुई धीरे धीरे क्या होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो देखिए, जैसे आप ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मोशन इस तरफ है, पुशिंग फोर्स जो है वो इस तरफ है। अगर इसको इस तरफ से हम पुश कर रहे हैं तो मोशन डेफिनेटली इसी तरफ होगी, राइट हैंड साइड। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए वो राइट हैंड साइड है, तो उसके ओपोजिट यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा, अगर शर्त हमारे पास क्या है, कंपल्सरी कंडीशन इसमें ये रहेगी कि जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स हो। मान लीजिए किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है, तो उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगी, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। और बैलेंस्ड फोर्स में हमने पढ़ा है कि दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, साथ ही मैग्नीट्यूड में कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसलिए बैलेंस्ड फोर्स अगर लग रहा है तो मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो बैलेंस्ड फोर्स है वो क्या काम करेगा, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम नहीं कर पाएगा।
इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी मूविंग बॉडी देन इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. अगर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है किसी मूविंग बॉडी पर तो क्या हो सकता है, उसकी स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है. इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिमूव्ड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड एक्वायर्ड टिल देन. नेक्स्ट हम बात करेंगे सर आइजैक न्यूटन, रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द मोशन ऑफ अ बॉडी. तो एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई भी फोर्स जो है वो बॉडी पर काम कर रहा है, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की मोशन है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये आइजैक न्यूटन ने बताया था. देखिए यहाँ पर चार साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, सर आइजैक न्यूटन, एरिस्टोटल, गैलीलियो एंड कॉपरनिकस. इन चारों ने इन्हीं बात की स्टडी की थी जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. एरिस्टोटल ऑन मोशन, हम ये टॉपिक जो है वो हमारा मेन टॉपिक्स रहेंगे. एरिस्टोटल ऑन मोशन, देखिए एरिस्टोटल थॉट ऑफ मोशन इन टू टर्म्स, दो टर्म्स में मोशन के बारे में इसने बताया था, नेचुरल मोशन एंड वायलेंट मोशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मोशन. नेचुरल मोशन ऑन अर्थ वॉज थॉट टू बी आइदर स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन. ऑब्जेक्ट्स सीक देयर नेचुरल रेस्टिंग प्लेसेस, हैवी थिंग्स फॉल एंड वेरी लाइट थिंग्स राइज. हैवी थिंग्स फॉल का मतलब क्या है, अगर कोई भी हैवी थिंग्स होगी तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अर्थ की तरफ नीचे चली जाएगी. तो यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने हाथ से पकड़कर छोड़ दिया तो अर्थ पर गिर जाती है. लेकिन अगर हम स्मोक की बात करें, अगर हम धुएं की या फिर स्मोक की बात करें, तो वो एक लाइट थिंग की से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, एक लाइट थिंग है वो. तो वो क्या होगा, वेरी लाइट थिंग्स राइज, यानी वो धुआं जो है वो धरती पर या फिर अर्थ पर नहीं गिर पाएगा, वो क्या होगा, वो एनवायरमेंट में उड़ता रहेगा. इसीलिए कहा गया है कि हैवी थिंग्स जो है वो फॉल डाउन हो जाती है, लेकिन जो वेरी लाइट थिंग्स है वो क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है. नॉट कर्स्ड बाय फोर्सेस, तो ये जो नेचुरल मोशन है उसके बारे में ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, अ ट्री लीफ फॉल्स टू अर्थ, ट्री लीफ अर्थ पर गिरती है. रेन फॉल्स टू अर्थ, अगर हम रेन ड्रॉप्स की बात करें तो वो भी अर्थ पर गिरती है. लेकिन अगर स्मोक की बात करें, ये लाइट थिंग में आता है, स्मोक राइजेस इनटू द एयर, यानी हवा में स्मोक जो है वो धुआं जो है वो उड़ता है. तो ये स्मॉल थिंग की बात है. ये सारे के सारे क्या है, ये नेचुरल फोर्सेस के अकॉर्डिंग आते हैं ये एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे वायलेंट मोशन की. तो वायलेंट मोशन ऑन दी अदर हैंड वॉज इम्पोज्ड मोशन, इसको क्या बोलेंगे हम, देखिए कर्स्ड बाय ए पुश और पुल. जैसे हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्स कैसा है, फोर्स होता क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट पर पुश या फिर पुल होता है. तो ये किसी भी फोर्स, कोई भी फोर्स अगर पुश या पुल होता है वहाँ पर, तो ये उसके कारण मोशन जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो वायलेंट मोशन जो है वो कर्स्ड बाय ए पुश और पुल, हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, शिप बीइंग पुश्ड बाय विंड. ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो वायलेंट मोशन के हैं. एरिस्टोटल ऑन मोशन, बोल्डर्स डू नॉट मूव विदाउट कॉज, द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज एट रेस्ट अनलेस दे वर बीइंग पुश्ड और पुल्ड और मूव टूवर्ड देयर नेचुरल रेस्टिंग प्लेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपरनिकस की. कॉपरनिकस एंड द मूविंग अर्थ, तो मूविंग अर्थ के बारे में कॉपरनिकस ने क्या बताया. देखिए कॉपरनिकस रीजंड that the simplest way to interpret astronomical observations was to assume that earth and the other planets move around the sun. तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि जो सन है, यानी जो सूर्य है, उसके चारों तरफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो ये कॉपरनिकस की थ्योरी थी. नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलीलियो ऑन मोशन. तो गैलीलियोस आइडिया क्या था, A moving object needs no force to keep it moving in the absence of friction. Friction के absence में अगर हम बात करें तो क्या होगा, किसी भी object को move करने के लिए किसी भी force की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अगर फ्रिक्शन कैसा हो, ज़ीरो हो या फिर एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन हो, तो जो मूविंग बॉडी है वो हमेशा क्या करती रहेगी, मूव ही करती रहेगी। लेकिन वहाँ पर कंपलसरी कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि फ्रिक्शन ज़ीरो होना चाहिए, उसके लिए उसे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। गैलीलियो केम अप विद द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताई थी गैलीलियो ने, फ्रिक्शन इज द नेम गिवन टू द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन मटेरियल्स दैट टच एज दे मूव पास्ट ईच अदर। गैलीलियोस कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो गैलीलियो ने किस प्रकार अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया वो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, बॉल्स रोलिंग ऑन डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लेन्स पिक्ड अप स्पीड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक स्लाइड है और स्लाइड पर ये जो बॉल है वो रोलिंग डाउन कर रही है, स्लोप डाउनवर्ड स्पीड इंक्रीजेस, यानी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है और ये जो स्पीड है वो कैसी होगी, इसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, बॉल्स रोलिंग ऑन अपवर्ड, तो अपवर्ड अगर जा रही है तो स्लोपिंग प्लेन्स लॉस्ट स्पीड, यानी अगर बॉल को हम किसी स्लाइड पर ऊपर की तरफ फेंके तो क्या होगा, स्लोप जो है वो अपवर्ड होगा लेकिन जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड्स टू कीप ऑन मूविंग अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेस अ मूविंग ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इनडेफिनेटली। तो ये दो पॉइंट्स आपको मोशन के याद रखने हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर ये काम करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की चार साइंटिस्ट जो कि आइजेक न्यूटन थे, एरिस्टोटल थे, गैलीलियो थे एंड कोपरनिकस थे। तो इन चारों ने मोशन के लिए अपनी क्या क्या ओपिनियन रखी, क्या क्या इनके आइडियाज़ थे, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर किन किन मोशन के थ्रू इन्होंने मोशन को अच्छे से डिफाइन किया, आज हमने इस वीडियो में समझा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।